नालंदा ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने पूरी दुनिया भर के स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन का मतलब तब समझाया था जब पूरी दुनिया में ह्यूमन सिविलाइजेशन ठीक से एस्टेब्लिश भी नहीं हुई थी और दुनिया भर से फॉरेन कंट्रीज से स्टूडेंट्स बिहार के इस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया करते थे और इस यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट करीब 5वीं शताब्दी में हुई थी और इस यूनिवर्सिटी का टाइम ड्यूरेशन 427 से ले तक के 1197 तक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये यूनिवर्सिटी बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो गई, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स जंप इनटू इट फ्रेंड्स। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ की बात करूं तो उस समय वहां पे वो सारी फैसिलिटीज़ थी जो एक आइडियल स्कूल या यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, जैसे कि वहां पे टेंपल्स थे, मेडिटेशन हॉल थे, क्लासरूम्स थे, लाइब्रेरी थी, यहां तक कि पार्क्स और लेक्स भी थे जो सुनने में ही एक ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक टाइम पर रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी। अगर मैं यहाँ के इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यहाँ दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, जैसे कि कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, पेरिया, यहाँ तक के तुर्की के भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आया करते थे। ये यूनिवर्सिटी हिंदुइज्म और बौद्धिज्म का ग्रेट कॉन्सेप्ट कल्चरल आर्ट था और यहाँ पढ़ाने वाले ज़्यादातर टीचर्स या तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे या फिर हिंदू ऋषि मुनि थे और इस यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 जितने स्टूडेंट्स के लिए हाउसिंग फैसिलिटी थी और 2,000 जितने टीचर्स के लिए हाउसिंग फैसिलिटी थी। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे धार्मिक ज्ञान के अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि फाइन आर्ट, मेडिसिन, आयुर्वेदा, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, आर्ट ऑफ वॉर जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता था। तो अब हम फाइनली इस टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी का सर्वनाश हो गया। तो बख्तियार खिलजी नाम का एक तुर्किस राजा था जिसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी और उसके राज्य का कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। तब ऐसे में उसका एक वैद्य उसे ये सजेस्ट करता है कि उसे अपना इलाज राहुल श्री भद्रा के पास करवाना चाहिए, जो उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे। लेकिन बख्तियार खिलजी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि बख्तियार खिलजी एक इस्लामिक प्राउडी पर्सन था और वो ये नहीं चाहता था कि उसका इलाज उसके धर्म के व्यक्ति को छोड़ के कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति करे। लेकिन अंत में बख्तियार खिलजी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे श्री भद्रा के पास ही अपना इलाज करवाना पड़ा। फिर बाद में जब बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है तब उसे ये जान के हैरानी होती है कि नालंदा के स्टूडेंट्स दुनिया भर के सभी स्टूडेंट्स के मुकाबले में कई ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं और ये अचीवमेंट बख्तियार खिलजी से देखी नहीं जाती है और वो जेलेसी के कारण नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक कर देता है और वो नालंदा यूनिवर्सिटी के मॉन्क्स और ऋषि मुनियों को ज़िंदा जला देता है और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी की सभी चीज़ों को आग लगा दी थी, यहाँ तक कि लाइब्रेरी को भी। और लाइब्रेरी में करीब 9 मिलियन बुक्स थी जो जल के खाक हो गई थी, यानी 90 लाख किताबों का बख्तियार खिलजी ने नुकसान करवाया था। और ये आग इतनी ज़्यादा थी कि नालंदा कई दिनों तक जलती रही और इस तरह हमारी महान ऐतिहासिक किताबों का सर्वनाश हो गया था और नालंदा का भी। बहुत सारे इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि नालंदा हमारे भारत में अगर आज भी अस्तित्व में होती तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुप्रीम पावर बन जाते और आज हमारा एजुकेशन सिस्टम इतने हद तक आगे बढ़ चुका होता कि हम वर्ल्ड को बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा देते। तो फ्रेंड्स, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर आप उस समय एक राजा होते तो आप बख्तियार खिलजी को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेते।